खमासान.com के एक खास न्यूज बुलेटिन में आज हम आपको बताते हैं कि 10 करोड़ से अधिक का निशुल्क राशन इंदौर निगम बंटवा चुका है। इंदौर नगर निगम द्वारा कर्फ्यू और लॉकडाउन लगने के साथ ही गरीबों का कच्चा राशन और पका हुआ भोजन निरंतर उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी तक निगम 10 करोड़ से अधिक का कच्चा राशन दानदाताओं और फिर उसके बाद अपने खजाने से बंटवा रहा है। इसमें चावल और आटा शासन की ओर से निशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं, जबकि दाल, शक्कर, तेल, नमक, हल्दी, मिर्ची, आलू, प्याज दानदाताओं से ही मिलता रहा है। अभी तक निगम 6 लाख से अधिक राशन के पैकेट बंटवा चुका है। निगम आयुक्त के रूप में आशीष सिंह ने यह व्यवस्था भी बेहतर तरीके से निगम के माध्यम से करवाई थी। बीते 36 दिनों में लगातार राशन जरूरतमंदों को बंटवाया जा रहा है। इसका जिम्मा अपर आयुक्त संदीप सोनी ने संभाल रखा है। रिंग रोड स्थित होटल रेडिसन के पास ओमनी गार्डन में राशन की पैकिंग और वहां से शहरभर में वितरित कराने का काम निरंतर चल रहा है। इसमें निगम उपायुक्त अरुण शर्मा, निगम अभियंता महेश शर्मा से लेकर कॉलोनी सेल की पूरी टीम जुटी है। श्री सोनी के मुताबिक अभी तक 10 करोड़ से अधिक की राशन सामग्री बंटवाई जा चुकी है। इसमें शासन से मिले चावल और आटे का भी अगर शामिल कर दिया गया तो यह राशि 15 करोड़ से अधिक हो जाएगी। आटा, चावल, दाल, शक्कर, तेल, नमक, मिर्च, हल्दी और आलू प्याज के पैकेट मुफ्त गरीबों को बंटवाए जा रहे हैं। इसमें जनप्रतिनिधियों को भी ये पैकेट दिए जाते हैं जो उनके क्षेत्रों में जरूरतमंदों को बांटे जा रहे हैं। रोजाना 20 से 22 घंटे राशन पैकिंग और वितरण का काम चलता है। ट्रकों में भरकर राशन आता है, फिर उसे पैकेटों में भरकर बांटने के लिए शहर भर में भिजवाया जाता है। पिछले दिनों दानदाताओं से ये राशन की सामग्री जब कम मिलने लगी तो निगम ने अपने खजाने से बंटवाने का निर्णय लिया और लगभग 4 करोड़ रुपए के राशन के टेंडर पहले ASITSL के माध्यम से बुलवाए हैं। हालांकि स्मार्ट सिटी फंड से इसकी अनुमति नहीं मिली, लिहाजा अब निगम अपने मद से ही इस राशि का वहन करेगा। आने वाले दिनों में और भी राशन इसी तरह से निगम को खरीदना पड़ सकता है। हालांकि अभी भी कई दानदाता निगम की मदद कर रहे हैं। 1000 लोगों की टीम इस पूरे कार्य में रोजाना लगी हुई है और 25 से 20 लाख रुपए का कच्चा राशन रोजाना बांटा जा रहा है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी भी इस टीम में शामिल हैं। उनका कहना है कि इसके लिए निगम का कॉल सेंटर चल रहा है और वहां से भी जो सूचनाएं मिलती है उसके मुताबिक भी राशन सामग्री उन क्षेत्रों में बंटवा दी जाती है। 500 से ज्यादा मजदूर, 300 से अधिक निगम के ही कर्मचारी इस पूरे अभियान में जुटे हुए हैं। 5 किलो आटा, 1-1 किलो दाल, चावल, शक्कर, 0.5 किलो तेल, नमक और 200 ग्राम मसाले इस पैकेट में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनके अलावा इन पैकेट में आलू प्याज भी उपलब्ध हैं। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए घमासान.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।